आज हम कक्षा 10वीं में अध्याय 6 उसका भाग 2 पढ़ेंगे। इसका पहला भाग हम पढ़ चुके हैं पोषण जैव प्रक्रम में। इसका दूसरा पार्ट है श्वसन। ये सजीवों में होने वाली एक रासायनिक अभिक्रिया है। ये जो अपन ने पोषण पढ़ा था, पोषण जिसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, ये श्वसन क्रिया पौधों में ये विपरीत क्रिया है। उसमें ग्लूकोज का निर्माण होता था, इसमें ग्लूकोज का जटिल ग्लूकोज सरल पदार्थों में टूट जाएगा। तो वह प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज जैसे जटिल पदार्थों का विखंडन होकर कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जल और ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो जो पोषण होता है, जो भोजन हम लेते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर एक हर प्रत्येक कोशिका में तरल व गैस के रूप में हर कोशिका में जाता है, और कोशिका में जो हमारी एक क्रियात्मक इकाई है जीवन की, वहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न होती है। और जो हमारा भोजन जो ग्लूकोज के रूप में था, वो वहाँ ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो हम देखते हैं कि जो ग्लूकोज है, हमारा भोजन है, इसमें 6 कार्बन के परमाणु होते हैं, C6H12O6 ग्लूकोज का ये सूत्र है। तो ये ग्लूकोज हमारे कोशिका द्रव्य में पोषण के द्वारा पहुंच जाता है, और वहाँ पर कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज का विघटन आरंभ होता है, और ये पाइरूवेट जिसमें कार्बन के 3 परमाणु होते हैं, उस पाइरूवेट में बदल जाता है। ये क्या है, जो हमारा ग्लूकोज से हमें जो ऊर्जा मिल रही है, वो 3 प्रकार से मिल सकती है। तो अभी 3 प्रकार किस पर निर्भर करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति पर। ये पाइरूवेट जो अणु बना हुआ है, यदि इसको ऑक्सीजन बिल्कुल ना मिले, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, O2 की एब्सेंट में, ये अधिकतर होता है ईस्ट में। ये देखिए, ईस्ट एक जीव का उदाहरण है, आपने सुना होगा खमीर, ईस्ट को हिंदी में बोल सकते हैं खमीर। तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये पाइरूवेट जो अणु है, ये इथेनॉल में बदलता है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, और यहाँ पर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो बहुत ही कम उत्पन्न होती है। दूसरी स्थिति है ऑक्सीजन का अभाव, मतलब ऑक्सीजन बिल्कुल, मतलब बहुत ही कम मिले, कम मात्रा में। जब कभी आप देखते हैं ना, दौड़ते हैं तो हाँपने लगते हैं, तो आपकी जो मांसपेशियां हैं, उनको पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। हमारी पेशी कोशिका में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, तो वहाँ पर कोशिका में एक लैक्टिक अम्ल का निर्माण शुरू हो जाता है। ऊर्जा बहुत ही कम उत्पन्न होती है, जो कि पर्याप्त नहीं होती है। और यदि ये लैक्टिक अम्ल कोशिकाओं में ज़्यादा बनने लगे, तो हमारी पेशियों में दर्द उत्पन्न हो जाता है, क्रैम्प आने लगते हैं। तीसरी स्थिति है जब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में रहे, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है ये वाली, जो ये वाला स्टेप होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्पन्न होगा, और जल और अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार जो ग्लूकोज है, वो पहले तो कोशिका द्रव्य में जाएगा, उसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया में ये सारी क्रियाएं हो रही हैं। इस प्रकार ये 3 पथ है जहाँ से हम ग्लूकोज का विखंडन कर सकते हैं। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति पर निर्भर करता है, ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन नहीं है, और ऑक्सीजन पर्याप्त है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमें ये ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला स्टेप है हमारा जो श्वसन होता है, इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन को वायवी भी बोलते हैं, और इसको अवायवी। यहाँ पर भी जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा वो ऑक्सी श्वसन, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा वो होगा अनाक्सी श्वसन। तो बहुत सरल है, जैसा कि हेडिंग है वैसे ही नाम है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को हम ऑक्सी श्वसन कहेंगे, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा उसे हम अवायवी या अनाक्सी श्वसन कहेंगे। ये क्रिया कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होती है, ये वायवी श्वसन की, और अवायवी श्वसन
केवल कोशिका द्रव्य में पूर्ण होती है। इन दोनों में अंतर आता है। इस क्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है, यहाँ ग्लूकोज का अपूर्ण अधूरा होता है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी उत्पन्न होगा और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल C2H5OH उत्पन्न होगा। यहाँ बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होगी और यहाँ कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब हम देखते हैं कोशिका में ऊर्जा। आपने 9th में पढ़ा है कि कोशिका का जो पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये जो सारी ऊर्जा है ये हमारे एक ऊर्जा के बंडल हैं ATP। तो ये ऊर्जा ATP के रूप में जमा हो जाती है। ATP का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। ये कोशिका का पावर हाउस कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया, और वहाँ पर ये ATP के रूप में ऊर्जा जमा हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे पौधों में श्वसन। जैसे सभी जंतु ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वैसे भी पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। यहाँ पर भी जो गैसों का आदान प्रदान होता है पौधों में, वहाँ पर भी स्टोमेटा पाए जाते हैं। आपने पोषण वाले उसमें पढ़ा था कि स्टोमेटा के द्वारा ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होगा। अब हम देखते हैं पौधों में दिन में दो क्रियाएं होती हैं, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन। श्वसन तो सभी जीवों में होती है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल पेड़ पौधों में होती है। ये भोजन बनाते हैं और CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं, और श्वसन क्रिया में O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। तो पौधों में जब CO2 लेते हैं O2 छोड़ते हैं, तो ये O2 उनके लिए कहना चाहिए उत्सर्जी पदार्थ है पौधों के लिए। तो ये O2 वायुमंडल में छोड़ देते हैं, और श्वसन क्रिया में जो O2 लेते हैं CO2 छोड़ते हैं, वो CO2 वायुमंडल में ना निकलकर वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए काम में आ जाती है। तो दिन के समय क्या होता है कि हमें पेड़ पौधों से शुद्ध वायु ऑक्सीजन प्राप्त होती है, इसलिए पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोकने के लिए हमें ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना चाहिए, क्योंकि ये दिन के समय O2 छोड़ती है और O2 एक शुद्ध वायु है और हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। दिन में जो श्वसन में निकली कार्बन डाइऑक्साइड है ये प्रकाश संश्लेषण में काम आ जाती है। तो पौधे दिन के समय CO2 नहीं छोड़ते हैं, वो यहाँ काम आ जाती है। केवल ये रात में ही CO2 निकलेगी, क्योंकि रात के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। तो CO2 पर्यावरण में रात में निकलती है। कभी कभी रात में पेड़ पौधों के नीचे सोने के लिए मना किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि रात में ऑक्सीजन नहीं देते हैं पेड़ पौधे, क्या देते हैं? CO2। जो हम लोग भी छोड़ रहे हैं वो पेड़ पौधे ही छोड़ेंगे। ये हो गया पौधों में श्वसन क्रिया, इसमें भी स्टोमेटा के द्वारा होता है। अब जो जलीय जीव है जैसे मछली, तो ये कैसे सांस लेते हैं? तो ये जल में विलय, जल में जो ऑक्सीजन घुल जाती है उसका उपयोग करते हैं। आपने देखा है मछली के शरीर में गिल्स पाए जाते हैं। जब मछली मुंह से जल लेती है और इसे गिल्स तक पहुंचाती है, तो गिल्स क्या करते हैं कि पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं और रुधिर में मिला देते हैं। इस प्रकार स्थलीय जीव भी वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। हम पढ़ते हैं मनुष्य में श्वसन तंत्र। मनुष्य एक स्थलीय जीव है। ये मनुष्य के श्वसन तंत्र का पूरा चित्र बना हुआ है। इसमें देखेंगे आप, ये हम नाक से वायु अंदर लेते हैं। नाक से ये देखिए आप, मुख गुहा से ये ग्रसनी, ये जो ग्रसनी वाला हिस्सा है, ये मतलब मुंह से भी इसका संपर्क रहता है और अपने नासा द्वार से भी इसका संपर्क रहता है। उसके बाद शुरू आता है कंठ। कंठ जहाँ से अपनी जो आवाज़ का पूरा सिस्टम है वो कंठ में पाया जाता है। तो ये वायु नासा द्वार से कहाँ जाती है? कंठ। ये देखिए कंठ, और कंठ से कहाँ जाती है? फेफड़े। ये पूरा
लिखे हुए हैं श्वास नलिका, श्वास नलिका से फेफड़े जाएगी और ये दो भागों में बट जाती है, इनको बोलते हैं श्वास निकायें। और ये श्वास निकायें और बारीक बारीक पतली पतली शाखाओं में बढ़ जाती हैं और प्रत्येक शाखा का अंतिम सिरा फूल जाता है, उसको हम बोलते हैं कूपिका। ये देखेंगे आप कूपिका का चित्र, ये श्वास नलिकी है और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि ये गुब्बारे जैसी रचना बन जाती है। इनका जो सतही क्षेत्रफल रहता है बहुत ज़्यादा रहता है और इनकी दीवार बिल्कुल पतली रहती है और इन्हीं कूपिकाओं से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान रुधिर वाहिकाओं में होता है। आप फिर से देखेंगे ये नासा द्वार, ये मुख्य गुहिका, ये ग्रसनी, ये कंठ, ये जो बड़ी है ये श्वास नली है, ये कार्टिलेज की बनी हुई रहती है, इसके चारों ओर एक कार्टिलेज का आवरण पाया जाता है, उपास्थिति वलय। ये देखिए आप वलय जैसा दिख रहा, ये दो फेफड़े हैं और ये जो हैं फेफड़ों के चारों ओर पसलियाँ हैं, क्योंकि ये बहुत कोमल अंग हैं फेफड़े, तो इनकी सुरक्षा के लिए इनके चारों ओर पेशियाँ का ये एक ढांचा पाया जाता है जिसको हम पसलियाँ बोलते हैं, रिब्स। इस प्रकार ये फुफ्फस, फुफ्फस मतलब फेफड़ा, फेफड़े लंग्स ये, और यहाँ पर एक हार्ट और अपना जो मध्य आमाशय उसके बीच में एक डायफ्राम पाया जाता है। तो ये रास्ता है वायु, नासा द्वार, कंठ, फेफड़े और ये स्वस्थ निकायों में बढ़ जाता है और कूपिका, लास्ट में कूपिका में जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर पहुँचती है फेफड़े में और लास्ट में कहाँ पहुँच जाती है, कूपिकाओं में, जिनका की सतही क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। ऑक्सीजन जब ये यहाँ पर पहुँचती है तो ये रक्त में मिल जाती है, तो रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हमारे लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं, अभी आगे आप पढ़ोगे। तो जो हीमोग्लोबिन है उसमें ऑक्सीजन क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, एक अस्थायी यौगिक। हीमोग्लोबिन एक श्वसन वर्णक है और इस प्रकार ये जब हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मिल जाती है ये पूरे शरीर में रक्त के द्वारा हमारे पूरे शरीर में चली जाती है हृदय के माध्यम से। तो ये हो गया मनुष्य में श्वसन तंत्र। अब इसका एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ग्लूकोज के जो विखंडन है, आपने अभी देखा ना तीन मार्ग हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति, उसको बहुत प्रैक्टिस करना है, वो समझाना है, और ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन में अंतर। धन्यवाद।